गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स वेट ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर लें, देन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए उत्तम, लास्ट क्लास में हमने मशीन लर्निंग में क्या डिस्कस किया था? टपल डिस्कस किया, सॉरी पाइथन में, अभी तो पाइथन में बता रहा हूँ। हाँ टपल सर। टपल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग सेट और डिक्शनरी देखेंगे। चलिए, क्या ट्राई किया था, रन किया था आप लोगों ने? चलो मैं एक चीज आज मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि जब मैं आपको ये जो फाइल मैं शेयर करूंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि फिर आप वहां से परमिशन मांगोगे और फिर बहुत सारे बच्चे परमिशन मांगे, सबको वन बाय वन हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो मैं आज बता देता हूँ कैसे हम कोई फाइल है जो गोल कॉलेज में फाइल है उसको हम डाउनलोड करके और आपको भेजेंगे, तो आप उसे फिर कैसे लोड करोगे अपने इसमें, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने इंपोर्ट करना वाला सर, अपलोड करना है वाला। हाँ, जैसे फाइल मैंने भेज दिया आपको डाउनलोड करके। हाँ सर, वो कर रखे हैं। हाँ, तो बाकी बच्चों को भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अब मैं यदि लिंक भेजो ना, शेयर करूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन ये है कि बहुत सारे बच्चे होंगे, सब सारे बच्चे, इवन बैच वन बैच टू बहुत सारे बैचेस के बच्चे हैं, तो बहुत काउंट हो जाता है। फिर हमें वन बाय वन कम से कम 400-500 बच्चों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा है उसके लिए कि डाउनलोड करके आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, बहुत कम बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। मैंने कई बार बोला है बच्चों को सेम लिंक रहेगा, सेम लिंक से आप लोगों को ज्वाइन करना है ना, फिर भी आई होप कि वो वेट करते हैं कि हमें लिंक आएगा और तब हम लिंक से ज्वाइन होंगे। चलिए, और भी बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, ज़्यादा वेट हम लोग नहीं कर सकते हैं लोगों के लिए, जो लेट हैं तो वो लेट ही रहेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हम सेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बताइए कि क्या हमने म्यूटेबल इम्यूटेबल समझा दिया था आप लोगों को? यस सर। तो बताइए कि कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है? लिस्ट म्यूटेबल है और वो टपल इम्यूटेबल। ओके, सो मुझे ये बताइए सेट और डिक्शनरी में कौन म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है?
डिक्शनरी म्यूटेबल है सर। डिक्शनरी म्यूटेबल है और सेट सेट के बारे में नहीं पता सर। ये भी अच्छा आंसर है। चलिए चंद्रभूषण यस सर, कैमरा ऑन कर लो थोड़ा सा, अच्छा लगता है ना जब बच्चे सामने होते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। नेटवर्क का इशू रहता है सर, और वो सामने मंदिर है ना तो पूजा हो जाता है। नेटवर्क इशू नहीं है ज्यादा, एक जीबी तो ज्यादा पैक करवा लेना आपसे, है ना। वर्क फ्रॉम होम पैक भी आता है, एड ऑन पैक भी आता है आजकल, जैसे आप पोस्टपेड वाला है सर, 600 रुपए पोस्टपेड है इसका सर, इसका पोस्टपेड है। कोई बात नहीं, उसका भी उपाय, हर जगह का हर चीज का सॉल्यूशन होता है दुनिया में, ठीक है। चलिए बेसिकली हम बात करते हैं, तो कहने का मतलब आज का टॉपिक है सेट एंड डिस्टेंस। चलो सेट की बात करते हैं पहले, उससे भी चीज मैं पहले बताऊंगा कि कैसे पहचान करेंगे हम लोग कौन सा सेट है, कौन सा लिस्ट है, कौन सा टपल है। तो आई थिंक आपको पता है कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं वो क्या होता है, लिस्ट होता है। चंद्रभूषण क्या होगा, चंद्रभूषण आप पूछे सर, एक बार फिर से बताएंगे। यही गड़बड़ है, क्लास में होने के बाद भी क्लास में नहीं होते हैं बच्चे सर, क्लास में है वो रुक रुक के आ रहा है साउंड मेरे, मतलब मेरे गांव का ही पूरा प्रॉब्लम है ये। अच्छा अच्छा, मतलब चलिए कोई बात, मैंने क्वेश्चन पूछा कि लिस्ट टपल और सेट आपको दे दिया जाए, आप सबसे पहले कैसे पहचान करोगे कौन सा लिस्ट है, कौन सा टपल है, कौन सा क्या है? ब्रेसेस सर, एक बार यस चंद्रभूषण आप पहले बताएंगे सर, ब्रेसेस से। तो बताओ ना कि तीनों में क्या डिफरेंस, बताओगे ना कि ये है तो ये रहेगा। लिस्ट में वो बिग ब्रेसेस रहता है और डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस, टपल्स और सेट्स का सर एग्जैक्टली नहीं। मैं यही सुनना चाह रहा था आप लोगों से, जो आप ये टर्म यूज करते हैं बिग ब्रैकेट बिग ब्रेसेस और ये जो कर्ली ब्रेसेस, यही मैं सुनना चाह रहा था, इसे करेक्ट करना चाह रहा था। तो बच्चों आप सब बीसीए के स्टूडेंट हैं, बचपन में जो आपने पढ़ा लिखा भूल जाइए, याद रखिएगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट देखते हो ना जो लिस्ट में यूज करते हैं वो ब्रैकेट है, उसी का नाम ब्रैकेट है एक्चुअली। और जो इस तरह से जो आप कर्ली ब्रेसेस कहते हो ना वो ब्रेस कर्ली ब्रेसेस, वो ऑलरेडी ब्रेसेस ही है ना। और जो आप देखते हो फंक्शन में जो यूज करते हो उसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको छोटी ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हो आप। क्लियर है, इसको याद रखिएगा, बीसीए के स्टूडेंट हो इसीलिए आप इसको ही यूज करो, बेटर होगा, ठीक है। चलिए तो सिंपली वॉट एवर वी स्टोर इन साइड ब्रैकेट इज कॉल्ड लिस्ट, if we store data in the braces it is called set, but if you store data in parenthesis that it is called tuple. So ye simple difference hai jo aap dekh ke bata sakte ho ki kaun sa kya hai. Ab uske thoda internal part pe aate hain, to structure pe aate hain. Set kya hota hai ye to aapne bachpan mein hi padha hoga, bachpan in the sense 11 12 mein padha hoga yadi math science se honge to. Set kya hota hai, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, कुछ चीजें हैं कुछ सेट के बारे में, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लिस्ट भी है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आपका क्या है बच्चों, टपल भी है, टपल भी है और सेट भी है, तो फिर आखिर डिफरेंस कैसे हुआ बताइए कैसे सर? सर सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है सर, उसका हर एक नंबर रैंडम होता है, बिल्कुल अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, और दूसरा नो डुप्लीकेसी नहीं होता इसमें, एलिमेंट्स अलाउड, दो डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। आप यदि रख भी दोगे तो उसे वो सिंगल ही काउंट करता है, आप यदि फाइव टर्म्स लिख भी दो ना तो वो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे, लेंथ निकालोगे, तो वो उसको जो मल्टीपल टाइम्स उसको सिंगल टाइम्स में मेजर करता है, काउंट करता है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो ये सपोर्ट करता है, मेंबरशिप टेस्टिंग, मतलब आपको पता करना है कोई भी एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हो। बताओगे मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा होता है? इन ऑपरेटर सर, इन ऑपरेटर, इन और नॉट इन। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर के हेल्प से आप जैसे आप लिस्ट में भी यूज कर सकते हो, टपल में भी यूज कर सकते हो, और यहाँ सेट में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑर्डर ही नहीं है तो इंडेक्स कैसे डिसाइन करोगे आप, और इंडेक्सिंग नहीं है तो आप फिर कैसे पता लगाओगे कि वो कोई एलिमेंट उसमें है या नहीं है या सर्च करोगे। तो यहाँ पे फिर ये चीजें हैं। दूसरा, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट एंट्रीज। मान लो आपने एंट्रीज दे भी दिया है गलती से, ये खुद ही एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, वो सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परफॉर्म हम कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो वो कौन कौन से ऑपरेशन है बताइए। यस, सेट पे आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? काम को बुलाना सर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। एडिशन कर सकते हो सेट पे? सर सेट का एडिशन होता है ना, वो एलिमेंट्स जुड़ते हैं जो यूनियंस का यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन कहना चाह रहे हैं? यूनियन होता है वो, एडिशन आपका होता है वो मैट्रिक्स का। सर मैट्रिक्स में हम, वो पता चल गया आप मैट्रिक्स के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली यूनियन इंटरसेक्शन है ना। ठीक है, नेक्स्ट, यानी आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो? डिफरेंस, सिमेट्रिक, और भी बहुत, ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, ये ऑर्डर नहीं होता है, इसमें इंडेक्सिंग इसीलिए नहीं यूज करते। ठीक है, दूसरा, मेंबरशिप टेस्टिंग करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यदि आप क्या करते हो यहां पे, आपने कोई, ये क्या है बताओ मुझे, ये बास्केट क्या है? लिस्ट है, टपल है, सेट है, क्या है? लिस्ट है। और जिस तरह से आप किसी भी दूसरे टाइप के एलिमेंट को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट फंक्शन के हेल्प से, टपल के फंक्शन के हेल्प से टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, सिमिलरली आप यहां पे क्या कर सकते हो, किसी भी लिस्ट को या किसी भी एलिमेंट को आप सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग सेट फंक्शन। ठीक है, देखो करण बहुत खुश है, लगता है उसको बहुत कुछ समझ में आ गया है, और चंद्रभूषण भी इतना खुश है, उसे लगता है सब कुछ पता ही है। उत्तम मैसेज कर रहा है आंसर हमको, उसको बोलिए ना कैमरा ऑन करके आपको बताएगा, मेरे को मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे कि ये आंसर बोलेगी। उत्तम सर, उत्तम उत्तम, चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैं बोलूंगा ऐसे ना करें, अच्छा रहेगा। उत्तम कहाँ है, कैमरा ऑन करो अपना। झूठ बोल रहा सर। हाँ कैमरा ऑन कीजिए आप भी। चलिए अब सब सामने में रहोगे तो ठीक रहेगा। करण को लेफ्ट राइट से फुर्सत नहीं है, और तुम दोनों को हंसते से फुर्सत नहीं। चलिए, तो सेट फंक्शन के हेल्प से हम किसी भी लिस्ट हो, टपल को या किसी भी स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेट में। और सेट में करेंगे तो कुछ चीजें देखिए, जो बेसिकली प्रॉपर्टी मैंने बताया था सेट में कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। तो देखिए इस लिस्ट में क्या क्या है, एप्पल, ऑरेंज, एप्पल, पियर, ऑरेंज, बनाना, यानी यहाँ पे एप्पल टू टाइम्स है, ऑरेंज भी टू टाइम्स। तो डेटा का रिपीटेशन है, लिस्ट में हो सकता है, टपल में भी हो सकता है। बट जब हम सेट फंक्शन से कन्वर्ट करेंगे सेट में, अब हम प्रिंट करते हैं इसको, तो क्या होता है, आपको क्या मिला, ऑरेंज, पियर, एप्पल, बनाना, यानी क्या रिपीट हुआ है कोई भी एलिमेंट? नो सर, ये सेट का प्रॉपर्टी है कि ये खुद ही एलिमिनेट कर देता है। और टाइप पता करोगे ये सेट है आपका। उसके अलावा मैंने बोला था मेंबरशिप टेस्टिंग, कोई भी एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्सिंग तो है नहीं, हम सर्च तो कर नहीं सकते लूप के हेल्प से, आई वेरिएबल के हेल्प से हम कर तो सकते नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे सर्च करेंगे है या नहीं है। तो यहाँ पे हम मेंबरशिप टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो एप्पल है, तो एप्पल उस लिस्ट में है, सेट में है या नहीं है, उसके लिए हम इन ऑपरेटर के हेल्प से मेंबरशिप टेस्टिंग कर सकते हैं। और यदि वो प्रेजेंट है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। जैसे मैंगो देखो प्रेजेंट नहीं है तो क्या आया, फॉल्स आया। क्लियर है बच्चों? चलिए, सो बेसिकली एज यू कैन सी सेट, सेट ये है, सेट ए, सेट बी। तो सिमिलरली जैसे हमने लिस्ट को कन्वर्ट किया था, वैसे हम चाहे तो
किसी भी स्ट्रिंग को भी हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ए सी ए डी एस है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, हम इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ए का कुछ इस तरह से, और एक आप जैसा कि देख सकते हैं ए यहाँ पे टू टाइम्स है, तो देखो वो एलिमिनेट हो गया वन टाइम, यानी रिपीटेशन हटा दे, मतलब रिपीटेशन को ये बंद कर देता है। अब देखो इंस्टीट्यूट यहाँ भी है, तो ये उसके एलिमेंट्स हो। अब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने सुना होगा सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस का नाम सुना है, ए हाइफन बी, मतलब वैसे एलिमेंट्स जो ए में है और बी में नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट डिफरेंस ऑफ ए बी, सेट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो क्या होगा, वैसे एलिमेंट्स जो ए में है और बी में नहीं है, देखो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जो ए में है और बी में नहीं है, उत्तम बताओगे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हाँ यस उत्तम, ऐसे कौन एलिमेंट्स है जो कि ए में है और बी में नहीं है, ए में और बी में से रुक जा, चेक करें, ए में है बी में नहीं, सर सी और डी, और ए, देखो ए बी में नहीं है, एस तो है उसको छोड़ देंगे, सी नहीं है तो उसको रखेंगे, डी भी नहीं है बी में, तो मतलब वैसे एलिमेंट जो कि ए में है और बी में नहीं, उसको हम लिखते हैं ए से डिफरेंस बी में। वही मैं बी हाइफन ए निकालो, मतलब बी से डिफरेंस ए निकालो, तो क्या होगा, वैसे एलिमेंट्स जो बी में है और ए में नहीं है, क्लियर है। उसके अलावा जैसे कि यूनियन ऑपरेशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन, तो यूनियन को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस साइन से। आपने सी में पढ़ा होगा बिटवाइज और जो होता है, वही यहाँ पे हम यूनियन के लिए यूज करते हैं, बिटवाइज एंड यहाँ पे हम इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ए यूनियन बी करते हो तो क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको मिला के एक एक सिंगल क्या बनेगा, सेट बनेगा। और जब बनेगा तो आपको पता होना चाहिए जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको वन टाइम लिखा जाता है। चलिए इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, केवल एस है, तो एस आपको आएगा। वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, समझिए, यस एनीवन बताओगे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है आप में से कोई, यूनियन और इंटरसेक्शन, यस यस सर, क्या होता है, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको नहीं लेते हैं, बाकी सारे एलिमेंट को लेते हैं, तो कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच का डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला होता है सर, ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन ए। बरून कैमरा ऑन कर लीजिए, अच्छा रहेगा थोड़ा, है ना सर, नेट नहीं है सर, क्यों बहाना बनाते हो आप लोग, चलिए आशीष आप ही बताइए, आपके पास नेट बहुत सारा लगता है पीछे का बैकग्राउंड के हिसाब से, बताइए आशीष कुमार 98 रोल नंबर, गया इंटरनेट सर उसका, चलिए सौम्या राज बीसीए, सौम्या राज बीसीए, देखो एटलीस्ट जब पूछता हूं तो ये बताया करो कि हाँ पता है या नहीं पता है, और जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं करो इसका मतलब तुम क्लास में नहीं हो। गुलशन कुमार, अर्श बताएगा सर, यस सर, हाँ बताइए गुलशन, नहीं पता सर, चलिए ठीक, यस 45 रोल नंबर, फोर्टी फाइव रोल नंबर 49 रोल नंबर, सारे बच्चे क्लास में, चलिए विवाद के बच्चों हम लोग देखते हैं आगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज देखते हैं हम लोग। बेसिकली देखो मैं बता दूं, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि ए, पहले आप ए हाइफन बी मतलब ए से डिफरेंस बी निकालोगे और बी से डिफरेंस ए निकालोगे, उसका जो यूनियन होगा उसी को हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, क्लियर है बच्चों, दोनों फॉर्मूला होता है ना उसका, तो ए बी का, ए बी का से डिफरेंस यूनियन
बी ए का सेट डिफरेंस, उसी को हम बोलते हैं ये। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल थिंग की बात करते हैं। तो देखिए चलिए सेट की बात करते हैं। तो हमने बताया था आप किसी को भी चेंज कर सकते हो सेट में। तो जैसे ये स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ मल्टीपल जो है कैरेक्टर्स रिपीटेड हैं। तो जब आप कन्वर्ट करोगे उसमें तो क्या मिलेगा आपको? तो देखो यहाँ पे हमने आर को दो तरीके से प्रिंट किया, एक तो इस तरीके से प्रिंट किया प्रिंट आर और एक आर। तो देखो इसमें आपको वैसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि रिपीटेड है वो वन टाइम मिलेंगे क्योंकि ये सेट बन गया है। अच्छा कोई बताओगे इस फॉर्मेट फंक्शन का क्या यूज है? फॉर्मेट फंक्शन का क्या यूज है? इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग बनाने के लिए होता है, जैसे वो ब्रेसेस है ना सर, ब्रेसेस में वो वैल्यू डालता है। जैसे फॉर्मेट है तो पहला ब्रेसेस में आर का वैल्यू, दूसरा ब्रेसेस में लेंथ। जैसे आप सी में प्रोग्रामिंग किए होंगे तो याद होगा आपको, जब कोई लिखते हो कि सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ परसेंटी एंड परसेंटी इक्वल टू, देखिए है ना, और कॉमा देते हो, फिर परसेंटी का पहला का वैल्यू, फिर दूसरे का वैल्यू, फिर ऐसे करते हो। सिमिलरली यहाँ भी काम करता है, मतलब जो आपने ये जो ब्रेसेस दिया है, पहला वैल्यू फॉर्मेट के अंदर जो पैरामीटर होगा वो यहाँ प्रिंट होगा, सेकंड पैरामीटर का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा। क्लियर है? आगे F लगा के भी तो लिख सकते हैं ना सर? क्या चीज? आगे F लगा के, जैसे वो द के आगे जो वो है ना, हाँ, उसके पास F लिख के भी हो जाता है। हाँ, वो भी ऑप्शन है। तो फॉर्मेट आर लेन आर, मतलब इस तरह से भी आप कर सकते हो या सिंपली भी कर सकते हो ऐसे। ये दिया हुआ है, बस एक चीज है। अब चलो मैं एक चीज पूछता हूँ, प्रिंट आर हमने यहाँ पे किया है और एक सिंपल आर मैंने लिखा, आपको पता है ये सेल में ही ऑप्शन रहता है कि आप सिंपल आर भी लिख दो तो आपको वो चीजें शो हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पे डिफरेंस कुछ दिख रहा है आपको प्रिंट आर और इस आर में? आर सेट है, कोई ऑर्डरिंग होता नहीं है, बट जब हम सिंपल आर लिखते हैं तो एक चीज गौर किया होगा आपने, यहाँ ऑर्डरिंग, मतलब ये ऑर्डरिंग जनरली नहीं होता है, ये खुद अलग से अपना ऑर्डरिंग कर देता है। विजिबल है आपको आर का? पूछोगे कि सर ये अरेंज है क्या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में? किसी को लगता है कि अरेंज है सेकंड वाला पीछे वाला? नो सर, बिल्कुल अरेंज है। उस वैल्यू में आपको पता है कि जो सबसे कैपिटल वाला सबसे पहले आता है, स्मॉल वाला बाद में आता है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं? यस, ये बस जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। जस्ट आस्की वैल्यू के हिसाब से रखता है क्या? क्या आस्की वैल्यू के हिसाब से रखता है? पी का कैपिटल, पी ऑब्वियसली अब कैपिटल वाला पहले आता है, स्मॉल वाला बाद में आता है, है ना? जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब कुछ चीजें हैं मैं बताना चाहूंगा। अभी मैंने बात किया था कि ऑर्डर्ड नहीं होता है, अनऑर्डर्ड चेक कैसे करेंगे देखिए। चलो मैं एक काम करता हूं, सी स्टाइल में हम ऐसे मान लो ऑर्डरिंग हमें चेक करना है, इंडेक्सिंग चेक करना, हम कैसे प्रिंट करेंगे सी स्टाइल में ऐसे ही? मान लो मैं इस टपल को मैं सेट कर देता हूं और टपल को मैं पहले प्रिंट करता हूं, देखो टी यू पी एल टपल के फॉर्म, और मैं इसको रन करता हूं, होगा क्या देखो कि जितने भी, चूंकि टपल में इंडेक्सिंग होता है, ऑर्डरिंग होता है, तो देखो जीरो वाला, फिर वन वाला, फिर टू वाला, देखो प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये टपल है। बट मैं मान लो यहाँ पे सेट कर दूं इसको, और देन मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, देखो क्या पॉसिबल है? क्या क्या यार, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हम यूज नहीं कर सकते इसमें क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पे नहीं होता है। तो आपके मन में डाउट होगा कि सर अब जब ये ऐसा है ही नहीं तो हम इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम मेंबरशिप कैसे चेक करोगे, मैचिंग कैसे करोगे? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ये है, आपको मैंने बोला था ना मेंबरशिप टेस्टिंग, तो यहां पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। देखो अभी हमारा जो R1 है वो है क्या, अभी जो हमारा R1 है वो क्या है, सेट है। और मैं देखो इसको रन करता हूं,
तो आप इस तरह से, क्योंकि ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। सो फॉर ई इन R1 जब करोगे तो ई क्या होगा, उस R1 सेट के हर एक एलिमेंट्स को लेके वो प्रिंट कर देंगे। तो पहला वैल्यू असाइन होगा ई में, उसको प्रिंट कर देंगे। दूसरा वैल्यू असाइन होगा ई में, उसको प्रिंट कर देंगे। तीसरा वैल्यू असाइन होगा, वो कर देंगे। तो ये एक तरीका है, आप विदाउट इंडेक्सिंग है तो यहाँ पे आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मिक्सिंग टाइप्स इन अ सेट। मिक्सिंग टाइप्स इन अ सेट। अब देखिए, मतलब जैसे लिस्ट में, टपल में हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते, क्या इस पे भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल, एज यू कैन सी, बताओगे ये है क्या, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं वो है क्या? टपल है सर, टपल है। और इस टपल में आपको पता है मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हो, सेम टाइप ऑफ रिपीटेशन हो सकता है। अब मैं उसको सेट में कन्वर्ट करता हूं और देन चेक करता हूं कि क्या वो पॉसिबल है, क्या करता है वो। तो देखिए, जो एलिमेंट सेम होंगे उसको वो डुप्लीकेट को हटा देता है। देखिए AB, अब AB दो बार था, उसको एक ही बार लिख दिया। 1, 2, 3, 1, देखो 1, 2, 3, 1 कहीं पर है, नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी है ही। अब इस 1, 2, 3 को देखो और इस 1, 2, 3 को देखो और इस 1, 2, क्या तीनों 1, 2, 3 सेम है क्या? नो सर। तो टाइप के हिसाब से बात करिए, ये सब अलग अलग है। मतलब ये 1, 2, 3 पहला क्या है आपका, ये इंटीजर है, बट ये दोनों सेम है ना, तो देखो इसको वन टाइम लिखा। और ये 1, 2, 3 भी है यहाँ पे, देखो ये भी 1, 2, 3 है। तो कहने का मतलब ये इस तरह से अरेंज कर दिया और जो रिपीटेड एलिमेंट्स थे उसको उसने हटा दिया। चलिए देन बच्चों, हम बात करते हैं सेट कंप्रिहेंशन। कुछ चीजें और भी देखिए यहाँ पे, जैसे सेट में, अभी आपने सेट को रिप्रेजेंट किया होगा याद है, तो लिस्ट में भी आपको मैंने ये बताया था, लिस्ट कंप्रिहेंशन मतलब लिस्ट में आप कुछ ऐसे भी फॉलोअप यूज कर सकते हो, जैसे एक्स into x for x in range this if x is x modulo division 2 equals to 0। मतलब यदि x का वैल्यू 2 से, यानी हर एक उस वैल्यू का स्क्वायर निकालना है इस रेंज में जिसका कि modulo division 2 से करने पे क्या आएगा, 0, यानी जो इवन नंबर, सिंपल कह सकते हो, जो इवन नंबर्स है इस रेंज में उसका आप स्क्वायर चाहते हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। जब आप प्रिंट करोगे, यदि मान लो मैं यहां पे ऐसे कर दो प्रिंट LWD, तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूं। देखो तो क्या हुआ, देखो इस रेंज के अंदर जितने भी इवन एलिमेंट्स है सबका स्क्वायर निकल गया, देखो यहां से यहां तक। अब हम इस पे आते हैं, ये क्या है इवन SQ, मतलब हम उस लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट करते, तो देखिए इसमें सेट में बहुत सारे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया, और ये देखिए अब इस सेट को वापस हमने क्या किया, ये जो सेट है इवन SQ, इसको वापस हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर इसमें सॉर्टेड फंक्शन के यूज किया, तो क्या होगा, वो सॉर्टेड के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा। एंड देन एक ये भी है, फिर उसको हमने, हाँ एक ये भी हमने लिया समझाने के लिए, सॉर्टेड को समझाने के लिए, सॉर्टेड फंक्शन कैसे काम करता है। तो मान लो कोई भी लिस्ट है, या कोई लिस्ट है, कोई टपल है, आप वो दे दो, उसके अलावा रिवर्स करना है तो नहीं करना है, उसके हिसाब से दे दो, आप यूज करो, तो ये सॉर्टेड कर देता है। ये तो बेसिकली देखो जी, सारा जो हमने देखा यहाँ पे, इसको हमने प्रिंट किया है लास्ट में, हुआ होगा क्या, देखो बेसिकली प्रिंट करने पे, तो ये जो लास्ट वाला है देखो उसको 1, 2, 3, 4 तीन ही है, और ये क्या कहता है, सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या, हर एक के बीच में स्लैश है, मतलब एक लाइन होना चाहिए न्यू लाइन में। तो देखिए LWD का पहला वैल्यू ये है, ये LWD का वैल्यू है, और ये देखिए इवन SQ क्या था, सेट था, जब हमने सेट में कन्वर्ट किया उसको प्रिंट किया, तो वो क्या देखो, रिपीट एलिमेंट्स क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। देन देखो यहाँ पे LEVN है ना, ये जो है SQ है, इसमें क्या था, सॉर्टेड लिस्ट था, तो देखिए किसका, इवन SQ का, तो देखो यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये कुछ चीजें हैं, शॉर्टकट्स हम सेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन बच्चों बात आती है सेट के बाद डिक्शनरी की बात आती है। व्हाट इज डिक्शनरी, एनीवन, व्हाट इज डिक्शनरी,
यस एनीवन, करण, उत्तम, चंद्रभूषण, की और की वैल्यूज का कलेक्शन, की और की वैल्यू का पेयर होता है उसको, यानी ये भी आपका, ये क्या है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ प्ले। यहाँ पे देखिए ऑर्डरिंग नहीं होता है, यहाँ भी ऑर्डरिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ऑर्डरिंग यूज करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे अनऑर्डर मतलब इंडेक्सिंग यहाँ पे नहीं होता है। की हैव टू बी यूनिक, और यहाँ पे जो डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में करते हैं, यानी की वैल्यू पेयर को हम एक आइटम बोलेंगे, फिर दूसरे की वैल्यू पेयर को एक दूसरा आइटम बोलेंगे, मतलब दूसरा एलिमेंट बोलेंगे। तो कहने का मतलब डिक्शनरी होता है इसमें, कि इसको मैप भी कहते हैं हम लोग, बहुत जगह इसको मैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कीज हैव टू बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, मतलब की ऐसा होता है इसके कि हम की को चेंज नहीं कर सकते और की यूनिक होता है। जैसे मान लो मैं क्लास में एक टेबल बनाता हूं आपके क्लास का, और मैं लिखता हूं रोल नंबर, बगल में नाम, तो बताओ ये रोल नंबर क्या होगा, की होगा या वैल्यू होगा? की होगा सर, क्योंकि रोल नंबर एक ही क्लास के अंदर रोल नंबर रिपीट होते हैं क्या? नहीं, बट नाम रिपीट हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे की जो है यूनिक होता है, वैल्यू मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल की के सेम वैल्यू हो सकते हैं, बट मल्टीपल वैल्यू के सेम वैल्यू के, या मल्टीपल ऐसे भी कह सकते, मल्टीपल वैल्यूज के सेम की पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेम कैसे कह सकते हो सिंपली कि मल्टीपल वैल्यूज के अलग अलग की पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट अलग अलग की के सेम वैल्यू हो सकते हैं, ऐसे समझो यहाँ। तो ये चीज इसीलिए मैंने बोला है कीज आर यूनिक इम्यूटेबल, मतलब जो की को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज कर सकते, की को चेंज नहीं कर सकते। सो ये इसीलिए इम्यूटेबल है। की वैल्यू पेयर इनक्लोज्ड इनसाइड कर्ली ब्रैसेस, इसको हम कर्ली ब्रैसेस के अंदर रखते हैं, तो एक एलिमेंट है, एक वैल्यू, एक पेयर होगा एक एलिमेंट, दूसरा पेयर है दूसरा एलिमेंट। एम्प्टी डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय राइटिंग दिस, सिंपली आप ऐसे लिख दो तो ये आपका एम्प्टी डिक्शनरी होगा। उसके अलावा मैं बात करूं, ये तो की वैल्यू पेयर की बात थी, अब मैं डिक्शनरी के बारे में बात करता हूं। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी के अंदर जो की है वो इम्यूटेबल है, लेकिन डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल, मतलब आप उस डिक्शनरी में किसी वैल्यू को, की को चेंज नहीं कर सकते, उसके वैल्यू को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, कोई नया वैल्यू उसमें पेयर ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो, इसीलिए ये क्या है आपका, म्यूटेबल होता है। तो आइए इन सब चीजों को हम देख लेते हैं पहले। उसके अलावा कुछ और भी चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे देखिए बेसिक ऑपरेशन ऑन डिक्शनरी, जैसे आपको बाकी एलिमेंट्स का, जैसे आप लेंथ निकालते हो वैसे आप यहां भी लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है, लेंथ फंक्शन के हेल्प से आप लेंथ निकाल सकते हो। तो जितने भी इसमें की वैल्यू पेयर है उसका काउंट करके आपको शो कर देगा। आपको पता करना है कि उस डिक्शनरी में कितने कीज हैं, कौन कौन से कीज है, कीज का वैल्यू, कीज को पता करना आपको। तो आप डी डॉट कीज करोगे तो ये एक लिस्ट आपको रिटर्न करेगा, जिस लिस्ट में सारे कीज होंगे उसमें। वैसे आपको पता करना कौन कौन से वैल्यूज हैं, तो आप डी डॉट वैल्यूज करोगे तो वो सारे वैल्यूज का आपको लिस्ट पॉइंट करेगा। मेंबरशिप चेक करना है कि कोई की है या नहीं उसमें, तो आप के इन डी करोगे तो ट्रू आएगा, यदि की है तो, नहीं है तो फॉल्स आएगा। उसी तरह से डी ऑफ के, मतलब आपको किसी भी डिक्शनरी के किसी भी पार्टिकुलर की का वैल्यू फाइंड करना है तो आप इस तरह से यूज करो डी ऑफ के, या इवन हाँ तो ये आपको वैल्यू फाइंड करना है करेस्पॉन्डिंग, तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। मतलब इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ पे, बट इंडेक्स का काम यहाँ पे की करता है, और आपको कोई वैल्यू चाहिए तो उसके करेस्पॉन्डिंग की को पास करो, आपको उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो जो की का पता करना चाहते हो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो नहीं है, तो आपको एरर देगा। मान लीजिए आप इस तरह से ही, जैसे सिंपल सी बात है, आपने डी के लिखा, कोई ऐसा की आपने दिया जो कि उसमें है ही नहीं, तो आपको एरर शो करेगा। तो उसका एक ऑप्शन है की डी डॉट गेट फंक्शन। मान लीजिए आपको कोई सर्च करना है कोई की है या नहीं है, और की है तो उससे करेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू चाहिए, तो आप गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक डिफरेंस है, जैसे इस केस में क्या था कि कोई की मान लो प्रेजेंट नहीं है तो उसका वैल्यू भी नहीं होगा, तो उस केस में आपको एरर देगा। बट मान लीजिए आप चाहते हो कि यदि की कोई प्रेजेंट नहीं है तो एरर ना दे, मुझे इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू दे दे, या कुछ ऐसा दे दे जो हमने उसको डिफाइन किया, तो गेट फंक्शन। तो मान लो ये की प्रेजेंट है उस डिक्शनरी में, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू दे देगा। मान लो वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो आपने यहाँ पे दिया सेकेंड पैरामीटर के रूप में, सेकेंड आर्गुमेंट के रूप में, उसको वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है।
उसी तरह से डी ऑफ के इक्वल टू भी करोगे, मतलब आपको कोई नया एलिमेंट ऐड करना है या रिप्लेस करना है तो आप इसी तरह से रिप्लेस कर सकते हो, ऐड भी करना हो या रिप्लेस भी करना हो आप ऐसे ही करोगे। यदि मान लो कोई की पहले से है उसमें कोई वैल्यू आपको रिप्लेस करना है तो यहां पर डाल दो, नहीं तो आपको कोई नया भी ऐड करना है उसमें एलिमेंट तो डी ऑफ के करोगे भी तो नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। आपको कोई पार्टिकुलर आइटम की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है तो आप सिंपल डील डीएल लिखोगे और डी ऑफ के की दे दो यहाँ पे, वो डिलीट हो जाएगा। वैसे ही आपको मेंबरशिप चेक करना है तो आप या आपको क्या इटरेट करना है, आपको सारे वैल्यूज को पता करना है उसमें तो आप ऐसे भी फॉर के इन डी करोगे, इसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए आप इन सब चीजों को देख भी लेते हैं हम लोग। चलिए एक हमने यहाँ पे क्या लिया है कैपिटल, ये हमारे पास की वैल्यू, ये डिक्शनरी है, देखिए ये की हो गया, ये उसका वैल्यू हो गया, फिर कॉमा, फिर देखिए की हो गया, कॉलन सेपरेटेड और ये उसका वैल्यू हो गया, फिर कॉमा, फिर ये की हो गया और ये कॉलन, ये उसका वैल्यू हो गया। यानी एक की वैल्यू पेयर उठाते हैं, ये एक आइटम हुआ, ये दूसरा आइटम हुआ और ये तीसरा आइटम। वैसे ही न्यू कैप्स की बात करें तो ये भी फर्स्ट आइटम हुआ, ये सेकेंड आइटम, और मैं यदि कैपिटल को प्रिंट करूं या टाइप पता करूं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, वही सेम चीज की वैल्यू पेयर जो भी एलिमेंट्स है और डिक्शनरी आया आपको। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें पता करना है कि किसी भी उस डिक्शनरी के अंदर किसी पार्टिकुलर इंडेक्स के करेस्पॉन्डिंग, पार्टिकुलर की के करेस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू है हमें पता करना है, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। मैं लिखो कैपिटल फ्रांस, अब देखो इसमें फ्रांस है क्या, हाँ है, उससे करस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू, पेरिस, तो पेरिस टर्न करेगा वो, देखो। तो क्या यहाँ पे इंडेक्स यूज करें, नहीं, हम यहाँ पे की यूज कर रहे हैं, तो पेरिस। मान लो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहते हैं जो कि है ही नहीं उसमें। अब देखो क्या यूके है क्या इसमें, इसमें यूके कहीं भी नहीं है और मैं चाहता हूँ यूके के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू चाहिए, जब हम ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, हमें एरर देगा वो, ठीक है। तो यदि मान लीजिए है तो सिंपली वो वैल्यू दे देगा, नहीं है तो आपको एरर शो करेगा। इसका भी एक सॉल्यूशन है कि मान लो है तो हमें वैल्यू दे दे, नहीं है तो उसे करस्पॉन्डिंग हमें कुछ बता दे कि हाँ है या नहीं है। तो देखो गेट फंक्शन, जैसे मान लो यूके का आपने देखा था, यूके जब हमने दिया था एज ए की तो कोई वैल्यू नहीं आया था हमें, बट हम यहाँ चाहते देखो सेम प्रॉब्लम, वहां पर एरर शो हुआ था, बट मैं कैपिटल डॉट गेट फंक्शन यूज करता हूँ और यूके दिया। यदि मान लो इसके करस्पॉन्डिंग यदि की के कोई वैल्यू होगा तो रिटर्न करेगा और नहीं होगा तो एरर के बदले यहाँ पे हमें आई एम नॉट श्योर जो भी आप दोगे यहाँ पे वो पास करेगा। तो देखिए क्या आया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सेम फंक्शन हम यूज करते इस वैल्यू पे क्योंकि फ्रांस का वैल्यू ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है फ्रांस के लिए। देखो कैपिटल के अंदर फ्रांस के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पेयर, तो हम लिखते हैं फ्रांस और अननोन। तो इसके अकॉर्डिंग सिंस इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या उस डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो ये केवल वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये सेकेंड पैरामीटर नहीं देगा। तो देखिए तो चूंकि प्रेजेंट है तो आपको पास कर दिया, नहीं प्रेजेंट था तो आपको ये सेकेंड स्ट्रिंग पास किया। तो ये आपका कहलाता है गेट फंक्शन। अब बच्चों बात आती है क्या किसी, क्या हम न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, क्या किसी सेट में जैसा डिक्शनरी में जैसा कि मैंने बोला ये म्यूटेबल होता है तो क्या हम न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने प्रिंट किया है और हमने कैपिटल में एक नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश किया या चेंज करने की कोशिश की, जैसे मान लो फ्रांस है, फ्रांस में क्या होता है करेस्पॉन्डिंग पेरिस वैल्यू है, हम उसको एक्स वाई जेड करना चाहते हैं। तो देखिए यदि मैं ऐसा लिखूं, मैं अभी चेंज कर रहा हूं उसको, देखो अब फ्रांस के करेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई जेड मिला आपको, क्योंकि पहले फ्रांस का पेरिस था मैंने चेंज कर दिया। तो ये तो कुछ इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो उसके वैल्यू, इसीलिए ये म्यूटेबल है। अब देखिए बट कभी अब मैं वापस उसको चेंज करता हूँ उसके फॉर्म में ताकि वो वैल्यू सही हो जाए, चलो सही हो गया। अब मान लो जैसा कि आपने देखा था, क्या इसमें यूके नाम से कोई की है क्या, कोई भी यूके नाम से कोई की इसमें नहीं है, और यूके नाम से कोई की नहीं है बच्चों यहाँ पे। अब हम उसमें ऐड करना चाहते हैं तो सिमिलर, देखिए मैं लिखा कैपिटल यूके इक्वल्स टू वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगा, उस कैपिटल डिक्शनरी में यूके की और उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू स्टोर हो जाए। देखिए मैं पहले इसको वो कर देता हूँ, मान लो कमेंट कर देता हूँ, उस दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ,
नाउ यू कैन सी कि पहले नहीं था इसमें यूके, अब देखो यूके लंदन आज से इसमें एक नया की वैल्यू पेयर क्रिएट हो गया। तो जैसे हम चेंज करते हैं वैसे हम यहाँ पे नया एलिमेंट एड भी कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू रिमूव सम एलिमेंट, किसी आइटम या किसी की वैल्यू पेयर को आप रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है आपके पास, डेल कीवर्ड है जिसके हेल्प से आप डेल डिलीट कैपिटल यू के, मतलब आप चाहते हो कि इसके इस की के करस्पॉन्डिंग जो उसमें की वैल्यू पेयर है उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप उसको पहले डेल लगा दो, देखो वो रिमूव हो जाएगा। और मैंने प्रिंट भी किया यहाँ पे, देखो पहले था यू के, अब जैसे मैंने इस पे किया डेल तो देखो आप वो रिमूव हो चुका है। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और इवन क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, और उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये म्यूटेबल है, कौन सा, डिक्शनरी। चलिए नॉट ओनली दिस, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा प्लीज, एनीवन किसी को भी यहां तक डाउट है तो बताएं। यदि आप लोगों को लगता होगा कि सारा कुछ हमें पता है तो बताइएगा, हम टैकलिस्ट मशीन लर्निंग पे स्विच कर जाएंगे। यदि आप लोगों को लगता है, चलो मैं एक पोल करवा लेता हूं, मैं देखता हूं कितने बच्चे हैं, मैं पोल करवा लेता हूं अभी। जस्ट वन मिनट, मैं पोल करवा लेता हूं, बताना आप लोग। ऑलरेडी this can start ml dusra no need this So, बच्चों मैं सेव कर रहा हूँ, मैं एक पोल कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या आप ऑलरेडी आपको सब कुछ आता है, तो मशीन लर्निंग पे स्विच कर जाऊंगा, देखता हूँ मैं कितने बच्चे हैं ऐसे, जस्ट वन मिनट मैं बच्चों लॉन्च कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। यदि आप लोगों को लगता होगा कि बच्चे रिस्पॉन्ड तो करते नहीं है, और यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हम पढ़ चुके हैं तो हमें फिर क्यों बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली मशीन लर्निंग पे स्विच कर जाएं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया था नहीं सर हमें बता दीजिए, रिविजन करवा दीजिए पहले, इसलिए मैं रिविजन करवा रहा हूँ। बट मैं देखता हूँ बार बार बच्चों का कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कैमरा ऑफ होने का मतलब ये नहीं होता कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, ठीक है, कर दीजिए सर रिस्पॉन्ड। नहीं नहीं वो रिस्पॉन्स का मतलब नहीं, जब मैं क्लास में कुछ पूछता हूँ आप लोगों से, समझ में आया नहीं आया कोई डाउट है तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो आप, और एक दो बच्चे उससे नहीं ना होता है कि आप क्लास हो गया आपका, वही तो सर हमें पता है हर बात तो कैसे चलेगा पड़ेगा ना। तो 32 बच्चे हैं, 17 बच्चे ने अभी 18 बच्चे नहीं किया, इसका मतलब ये पता भी पता चल रहा है कि कितने बच्चे अभी क्लास में हैं, और ऐसा करोगे तो मैं फिर कैमरा के बिना अलाउ नहीं करूंगा, एटलीस्ट जब पूछता हूं जवाब तो दिया करो कम से कम।
सर किसी एक बच्चे से मत ना पूछिए, बाकी बाय लाइन वाइज लाइन मतलब रोल नंबर वाइज सबसे क्वेश्चन करते रहिए, उससे सब एक्टिव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं उनको रिमूव कर दूं। सर वेटिंग लिस्ट में डालिएगा। अटेंडेंस यस उत्तम किस सर कम से कम 2-3 दिन तक उन लोगों को क्लास में मत आने दीजिए, इससे सब लोग अपना एक्टिव रहेगा। ठीक है लेकिन इसी से आदत देखो कैमरा ऑफ। ठीक है आप लोग बोलते हो सर नेट ऑफ खत्म हो जाता है ये खत्म, चलो मैं समझता हूँ। लेकिन समझने वाले ये नहीं है कि आप क्लास में बस, अभी मैंने कई बच्चे को पूछा है किसी देखो समझ में आ गया कितने बच्चे हैं क्लास में, 12 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्लास में है नहीं। चलो मैं अभी रिमूव कर देता हूँ सारे बच्चे, वेटिंग में डाल दीजिए। जस्ट मैं अभी रोल नंबर वाइज पूछता हूँ, वरुण उत्तम आदित्य आदित्य अपना सीआर है सर आदित्य। यस सर अभी तो बोल रहे थे। ओके बिक्की बिक्की अब ये मत बोल देना कि सर हमारा माइक ऑन नहीं हो रहा है, आप जी सुन पा रहे हो तो थम्स अप भी करोगे तो हम समझ आएंगे हाँ आप थम्स अप कर रहे हो आप क्लास में। चलिए अच्छी बात है। और ये बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि सर आप हमको रिमूव कर दिए है ना, हम क्लास में थे। आलोक कुमार हाजिरी बनाने आता है सर सब। आलोक कुमार आलोक कुमार यस सर। ठीक है अमन सर। ठीक है आशीष आशीष कुमार यस सर। ठीक है चंद्रभूषण तो है ही यस। हर्ष कुमार यस सर। क्या बता रहे हैं अभी हम कोई कौन सा टॉपिक सर? अभी तो सेट ऐप ये सब पढ़ा रहे थे सर, अभी सेट फिर उसका सिमेट्रिक सेट है ना, जैसे सेट का ऑपरेशन जैसे बताए थे सर। मैं सेट बता रहा हूँ, समझ में आ गया कि क्लास में, सच बताओ क्लास में थे या नहीं थे? यस सर थे सर। अभी तुम्हें सेट नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी डिक्शनरी बता रहा हूँ। अभी 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 जस्ट बाथरूम गए हुए थे सर, उससे पहले थे सर आप में देख सकते। सिमरन यस सर। क्या बताया था अभी मैं लास्ट में सर? डिक्शनरी। डिक्शनरी में अभी लास्ट में कौन सा टॉपिक बता रहा था मैं? यस सिमरन सर। लैन कैसे फाइंड करते हैं सर? ये बताओ यदि हमें कोई एलिमेंट डिक्शनरी में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे हम? किसी का वैल्यू चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे हम? रक्षित राज रक्षित राज यस आनंद रोहित गुप्ता यस सौम्या 82 रोल नंबर यस सर। हाँ क्या बताया था मैंने? डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या बता रहा था मैं? अच्छा बताओ मुझे जब मैं मान लो कोई ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करता वैल्यू को जो कि ऑलरेडी जिसका की प्रेजेंट ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम होता है उसमें बताओ? अच्छा गेट फंक्शन का क्या यूज है यहाँ पे? सौम्या रोल नंबर 45 यस सर।
हाँ, आपको अभी से आधा घंटा पहले भी मैंने आपको आपका रोल नंबर लिया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया था, और अभी आप कैसे आ गए क्लासरूम में, कैसे आपको सुनाई दिया अभी? सर ऑडियो डिस्कनेक्ट था। चलिए बताइए हमने क्या क्या बताया आज टॉपिक। डिक्शनरी में क्या बता रहा हूँ मैं, गेट फंक्शन का क्या यूज है बताइए। सर वो प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए तो सारा यूज होता है, बताइए नेक्स्ट। प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, रन करवाने के लिए गेट फंक्शन यूज करते हैं, यही मैंने बताया है। सर ये सारा फंक्शन तो प्रोग्रामिंग में ही तो यूज होगा, तो और किस में होगा? कौन कौन बोल रहे हो आप? एमडी रियान। यस सर, सारा फंक्शन तो प्रोग्राम में यूज होता है, और किस चीज में यूज होता है? नो सर। फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में? सॉरी सर। ठीक है, प्रोग्रामिंग मतलब तो सब कुछ प्रोग्रामिंग यूज होता है, फिर तो बेकार है कि पाइथन पढ़ना बेकार है, फिर सी पढ़ना तो किसी से भी कर सकते हैं हम सबका, है ना? ये कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है ना? आशुतोष, आशुतोष 71 रोल नंबर, क्यों अनम्यूट नहीं कर सकते हो तुम? यस सर। हाँ बताइए गेट फंक्शन का क्या यूज है सर? भी पता। शुभम 49 रोल नंबर, रवि कुमार 48 रोल नंबर। यस सर। आप पिछले बार कहाँ थे जब आपसे मैं पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप कहाँ थे, रिप्लाई क्यों नहीं किया था आपने? सर मेरे से नहीं पूछा गया, 49 से पूछा गया था। आपका कितना रोल नंबर अभी? 48 है। 48 है, हाँ तो मुझे याद है मैंने आपसे भी पूछा था। प्रत्युष कुमार, आलोक कुमार 50 रोल नंबर, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो 24 बच्चों में से 14 बच्चों ने बोला कि हमें इस टॉपिक की जरूरत है, हमें पढ़ना है, तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं, ठीक है? लेकिन क्लास में आप लोग एक्टिव रहा कीजिए, जब मैं पूछता हूँ रिप्लाई दिया कीजिए, यस नो समझ में आया नहीं आया रिप्लाई दिया कीजिए, ठीक है ना? नहीं तो ऐसे रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं कैमरा वाला जो सिस्टम है आपका मैं कर दूंगा, और आपको जो पढ़ना है जो सीखना है वही क्लास में रहेंगे, क्योंकि जब क्लास में किसी को मैं रोल नंबर से पूछता हूँ रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जब भी मैं किसी से रैंडमली पूछता हूँ मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? ओके सर। चलिए बच्चों, तो बेसिकली ये जो हमने बताया डिक्शनरी के बारे में बताया आपको, डिक्शनरी में चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो गेट फंक्शन है कि जब मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप अल्टरनेटिव चाहते हो कोई टेक्स्ट तो वो आप दे सकते हो, ये मैंने बताया आपको, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है बच्चों? हाँ, एक अपडेट फंक्शन है बच्चों यहाँ पे। हाँ एक चीज और मैं बताने वाला था आपको कि मान लो आपको पता करना है कि सारे सारे जो है उसमें कौन कौन से कीज हैं, तो आप डॉट कीज करोगे तो सारे कीज रिटर्न कर देगा आपको, आप डॉट वैल्यूज करोगे तो सारे वैल्यूज रिटर्न कर देगा आपको। एक अपडेट फंक्शन है जिसके हेल्प से आप देखो यहाँ पे जैसे कीज कैपिटल डॉट कीज करूंगा तो सारे कीज जितने भी कीज यूज हुए हैं वो सारे कर देंगे रिटर्न कर देगा हमें, वैल्यूज करूंगा तो वैल्यूज आ जाएंगे सारे। इन मतलब मेंबरशिप फंक्शन है, आपको आपको पता करना है कि उसके वैल्यू में ये एलिमेंट है या नहीं है, तो आप इन ऑपरेटर के हेल्प से देख सकते हो। आपको पता करना कौन कौन से आइटम है मतलब कितने एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। कैपिटल डॉट आइटम्स करोगे तो सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे आपको कॉमा सेपरेटेड के फॉर्म में, जैसे देखो ये फर्स्ट की वैल्यू पे है, सेकंड की वैल्यू पे है, थर्ड की वैल्यू पे। अपडेट, आप चाहते हो कि किसी भी
सेट को किसी दूसरे सेट से अपडेट करना वो भी पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है तो देखिए, है ना, हम यहाँ पे अपडेट फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा अपडेट फंक्शन पे, कि जो कैपिटल में है वो तो रहेगा ही, जो न्यू कैप्स में है वो सारा कैपिटल से मर्ज हो जाएगा. मर्ज होगा तो एक चीज और भी होगा, यदि सेम की वाले होंगे तो वो उसके वैल्यूज नए से चेंज हो जाएंगे, नहीं है जो एलिमेंट वो इसमें ऐड हो जाएगा. सो इस केस में अपडेट की तरह काम करता है. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग बाकी चीज देखेंगे. ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे. ये बताइए कि आप लोग को यदि इसमें कोई और भी टॉपिक पढ़ना है, ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ, पांडा, नंपाई और मैटप्लॉटलिब, ये तीनों में बताऊंगा ही ऐसे भी, बट फिर भी आपको इसके में कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अगले क्लास में वो टॉपिक में बता दूंगा. तो अदरवाइज नहीं तो मैं फिर मशीन लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट करूंगा. ठीक है, बेसिक्स. ओके सर. चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू सर. थैंक यू सर.